डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टेस्ट सीरीज आप देखेंगे। इसमें वैसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, बराबर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। बीपीएससी का भी पैटर्न है कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में दिखाई देते हैं, तो ये उसी तरह का एक कैजुअल टेस्ट है। ये टेस्ट आप दें तो खुद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न इसमें हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमने कट ऑफ रखा है 25 के आसपास, 24 से 25। अगर 24 से 25 आप स्कोर करते हैं तो हम कहेंगे कि आपने जीके जीएस में अच्छी तैयारी कर रखी। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड को, उसके बाद फैसला करेंगे कि ये कितना बेहतर एपिसोड था। आज का पहला क्वेश्चन, ऊंचाई से गिरते हुए झरने में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? आप आंसर करते हुए पांचवें ऑप्शन का भी ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, पांचवां ऑप्शन। चूंकि ऊंचाई से गिरते हुए झरने में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है, चूंकि जैसे जैसे नीचे आता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती चली जाती है। आज का दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं? ध्यान से बनाना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको गलत करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आज का तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? सबसे अधिक यहां पर जो ऑप्शन है उसी में आपको आंसर ढूंढने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। बंगाल में सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है जो खारे पानी में सलाइन वाटर में उगता है। आज का चौथा क्वेश्चन, ब्लड में प्लेटलेट्स का प्रयोग क्या है? सोच का जवाब दें, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्लड का क्लॉट बनाना। आज का पांचवा क्वेश्चन, हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर किस झील से जुड़े हैं? सोचकर आप जवाब दें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हुसैन सागर झील, ट्विन सिटी भी कहलाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। आज का छठा क्वेश्चन, वार्षिक आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? सोचकर जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। आज का सातवां क्वेश्चन, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान यानी बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इस तरह के इंस्टीट्यूट हम लोगों ने किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रुड़की। अंग्रेजी राज के ताबूत में लोहे की कील साबित होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, बराबर एग्जाम तो दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। दरअसल साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में चल रहा था, ऐसे में लाहौर में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, घायल अवस्था में उनका ये स्टेटमेंट आया था, इसी चोट में उनकी मृत्यु भी हो गई थी जिसके बाद बड़ा कांड भारत में हुआ। आज का नवा प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? इसके लाइंस को आप ध्यान से समझें, सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन। ध्यान रखें, चूंकि भारत में जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं सेबी या आरबीआई जैसी, उनके लिए एक कमेटी गठित की जा चुकी है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी यानी FSRAC, जिसके चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी यानी मंत्रिमंडल सचिव, यही दरअसल रिकमेंडेशन देते हैं। ये अलग बात है कि सलाह इसमें मानी जाती है वित्त मंत्री की, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ये क्वेश्चन, पांचवें ऑप्शन के कारण काफ़ी विवादास्पद हो जाता है, लेकिन यह ध्यान रखें ये एक फाइनेंशियल सेक्टर कमेटी के रिकमेंडेशन पे इनकी नियुक्ति होती है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी अध्यक्ष होते हैं जिसके, हालांकि सलाह मानी जाती है वित्त मंत्री की, यहाँ पर क्वेश्चन है रिकमेंडेशन, तो यह आंसर हो जाएगा नवा ऑप्शन, नाइन्थ का ई ऑप्शन यानी पांचवा ऑप्शन।
आज का 10वां क्वेश्चन, जीवों के विकास का सिद्धांत यानी इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? इवोल्यूशन थ्योरी, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में इनकी बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसी में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे सिद्धांतों की बात की थी। आज का 11वां क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? रेगुलर क्वेश्चन, बराबर दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगल। जब किसी घूमती हुई सर्कुलेटरी बॉडी का बाहर की ओर गिर जाने का या बाहर की ओर बल दिखता है तो यह सेंट्रीफ्यूगल होता है, जबकि केंद्र की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहां पर जैसे कि दूध से मलाई, यहां पर भी अपकेंद्रण होगा और वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रण बल होगा। आज का 12वां क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ कार में किसका प्रयोग किया जाता है? सोचकर जवाब दें, गलत नहीं करना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉलीएमाइड। दरअसल ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों रूप में मिलता है। मूल रूप से ये एक नायलॉन होता है जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ कार में होता है। 13वां क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, जहां से लॉन्चिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुलिकट। आज का 14वां क्वेश्चन, ये पुलिकट झील आंध्रा प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। 14वां क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? कौन सा मेटल फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग ने यूज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तांबा। आज का 15वां क्वेश्चन, पीटर सोरेनसन ने किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच वैल्यू। पीटर सोरेनसन डेनिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने पीएच वैल्यू की खोज की थी। 16वां क्वेश्चन, भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम कहां से मापा जाता है, मेजर किया जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद। दरअसल इलाहाबाद में नैनी एग्जैक्ट प्लेस है, और अगर ये दोनों नहीं हो तो मिर्जापुर इसका आंसर होगा। आज का 17वां क्वेश्चन, प्लास्टिक सर्जरी का जनक यानी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है? सोचकर आंसर दें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुश्रुत। सुश्रुत संहिता ने 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है कि इन्होंने दरअसल फेशियल सर्जरी के कई सारे जो तरीके हैं वो अपने ग्रंथ में बताए हैं, तो इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन, रथ यात्रा निकालकर एक प्रसिद्ध त्यौहार कहां मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की पुरी में रथ यात्रा हर साल जून महीने के आसपास निकलती है। आज का 19वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नियुक्त होते हैं किस पद्धति से? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस पद्धति से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉलेजियम सिस्टम। इसमें चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वगैरह होते हैं, और ये दरअसल रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम से इनका चुनाव होता है। 20वां क्वेश्चन, शांति का पहला नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज, 1901 में किसे दिया गया था? फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनेंट। स्विट्जरलैंड के हेनरी ड्यूनेंट को, जो बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने ही दरअसल रेड क्रॉस की स्थापना की थी। आज का 21वां प्रश्न, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? पीएच वैल्यू पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आपको रेगुलर दिखाई देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टार्टरिक एसिड। आज का 22वां क्वेश्चन, वर्ल्ड की दूसरी सर्वोच्च शिखर यानी सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी सेकंड माउंट एवरेस्ट के बाद काराकोरम में K2, जिसे K2 भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन सेकंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है। आज का 23वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मौतें किस रोग से होती हैं? ध्यान से आपको सोच कर जवाब देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायरिया। आज का 24वां क्वेश्चन, आंख से निकले हुए आंसू में क्या होता है? क्षारीय अम्ली क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का क्षारीय, यानी ए। आपने देखा होगा कि नमकीन टेस्ट इसका होता है, तो यह हल्का बेसिक कैरेक्टर इसका होता है। आज का 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में उधार पर यानी बोरोइंग्स पर कंट्रोल कौन करता है? लेंडिंग, डेट या बोरोइंग्स, जो कहें, उस पर किसका कंट्रोल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेपो रेट। आरबीआई जब देखता है कि ज्यादा मार्केट में पैसे नहीं छोड़ने हैं, उधारी नहीं देना है, तो रेपो रेट बढ़ा देता है। आज का 26वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का परिवर्तन किया था कहां? यह अपनी नई नई घोषणाओं के लिए जाना जाता है, MBT। इसने राजधानी का परिवर्तन किया था, यह कहां किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी का परिवर्तन किया था। और भी सारी घोषणाएं इसकी चौंकाने वाली होती थी। आज का 27वां क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों में नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हम लोगों ने मिट्टी भी सॉइल किया है, उम्मीद है कि ये आंसर सही आप करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी, यानी एलुवियल सॉइल। आज का 28वां क्वेश्चन, डेसिमल सिस्टम भारत में कब अपनाया गया? डेसिमल सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। दरअसल डेसिमल का मतलब होता है कि 10 के अनुपात में, डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली 10 के अनुपात में, ये 1957 में भारत ने अपनाया और आना जैसे शब्द को हटा दिया गया। 29वां प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? सोचकर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी ब्लड में कैल्शियम के का जो रेगुलेशन है उसको, साथ ही कई सारे और भी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसे हार्मोन कहते हैं। आज का 30वां और अंतिम क्वेश्चन, भारत में कितने विक्रमादित्य शासक हुए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में दिख चुका है, चूंकि NCERT में इसका संदर्भ मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14। दरअसल 1st century BC में विक्रमादित्य उज्जैन के शासक ने शकों को हराया था, और उसके बाद ये विक्रमादित्य जो टाइटल है वो रखने की पता चल पड़ी। सबसे प्रमुख और लोकप्रिय विक्रमादित्य शासक हुए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो बस आज के इस एपिसोड को यहीं तक रोकेंगे। इस तरह के एपिसोड्स आपको रेगुलर बनाने चाहिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर।